ज़ाहिर है इस वक्त आपकी मोहब्बतों की वजह से जनाब यहाँ तशरीफ़ ले आए, चूँकि जलालपुर हमेशा लखनऊ के साथ अपनी हमाहंगी को बरकरार रखे हुए है मज़हबी एतबार से। ख़ुसूसन वो एक वक्त था कि जब जनाब की सेहत अच्छी थी और लखनऊ की आज़ादारी का मसला हुआ और ललितपुर जेल में जनाब को हुकूमत ने भेज दिया। उस ज़माने में जो कुछ पूरे यूपी में हुआ उसमें जलालपुर भी अपने तौर पे काफ़ी ताउन रहा है। ज़ाहिर है ये एक हमारा अखलाकी और दीनी और मज़हबी फरीज़ा है। हालात ये है कि अभी जनाब नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं आपको सिर्फ इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हालात ये हैं कि नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि सजदेगाह को उठा के पेशानी पे रख रहे थे, खुद झुक नहीं पा रहे। ऐसे में चार पाँच घंटे का सफ़र तय करके आना और चार पाँच घंटे का सफ़र तय करके जाना, एक घंटे मिंबर पे बैठना और कितनी मसरूफियत है उसमें से ये कीमती वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। हम अपने वतन की तरफ से, मोमिनीन की तरफ से, अपने उलमाए कराम की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि आपने एक मौका दिया कि मोमिनीन आपकी ज़ियारत कर सकें, और हमेशा हमारा वतन आपके साथ खड़ा हुआ है। जब आप आवाज़ देंगे हम हमेशा आपके साथ हाजिर हैं और शान से शाना मिला के हम हमारा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين والطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بيدين محمد وآل محمد गुजारिश एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अलहाज ज़हीर हसन साहब मरहूम इब्ने जनाब शहादत हुसैन साहब मरहूम की रूहों को इसारे सवाब फरमाने से। आए करीमा जिसको उन्होंने बयान करार दिया है
ऐसी आय करीमा है कि कई अशरे भी नाकाफी हैं इसके बयान के सिलसिले में, और मुझे एक महदूद वक्त के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करना है। आय करीमा ऐलान फरमा रही है कि अल्लाह हु अल्लाह है कि जिसने उम्मीदीन में उन्हीं में एक रसूल भेजा। फिर इस रसूल के सिफात और कमालात बयान हो रहे हैं कि रसूल वह है जो उनके सामने आयात इलाहिया की तिलावत करता है, ये रसूल वह है जो उनके नफ्सों को पाक करता है, ये रसूल वह है जो उनको किताब हुक्मत की तालीम देता है, हालांकि इससे कबल खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। आप देखें कि आया करीमा की इब्तिदा इस तरह से हो रही है कि अल्लाह वो अल्लाह है। उलमा माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, मुझसे बेहतर जो आलिम है वो यहाँ तशरीफ फरमा है, साहिबान फहम यहाँ पर मौजूद हैं। इब्तिदाए आयत से अंदाज़ा हो रहा है अल्लाह वो अल्लाह है। इब्तिदाए आयत से अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह अपना तारुफ फरमा रहा है, अल्लाह अपने को पहचानवा रहा है, अल्लाह वो अल्लाह है। क्या मतलब हुआ? अपना तारुफ पेश हो रहा है, अपने को पहचानवाया जा रहा है। तो मुझे इतना बताइए कि जब कोई जात कोई शख्सियत अपना तारुफ पेश फरमाती है, कोई भी शख्सियत हो जब अपना तारुफ पेश करती है तो अपने सिफात बयान होते हैं, अपने कमालात बयान होते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई तारुफ अपना करवा रहा हो, सिफतें किसी और की बयान हो रही हैं, कमालात किसी और के बयान हो रहे हैं। जब तारुफ अपना होता है तो अपने सिफात बयान होते हैं, अपने कमालात बयान होते हैं, लेकिन यहां पर कुदरत ने अजीब अंदाज इख्तियार फरमाया है अल्लाह वो अल्लाह है। इब्तिदाए आयत से अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह ताला अपना तारुफ फरमा रहा है, अपने को पहचानवा रहा है, तो अपने सिफात बयान होना चाहिए, अपने कमालात बयान होना चाहिए, मगर कुदरत ने अजीब अंदाज इख्तियार फरमाया है कि पहचानवा रहा है अपने को, मगर सिफत रसूल की बयान हो रही है, कमालात रसूल के बयान हो रहे हैं। मैं ऐसा अल्लाह हूं कि जिसने ऐसा रसूल भेजा। अब तसव्वुर कीजिए कि वो रसूल कितना अजीम होगा कि जिसके जरिए से अल्लाह अपने को पहचानवा रहा है, वो बंदा कितना अजीम होगा कि जिसके जरिए से परवरदिगार अपना तारुफ पेश कर रहा है, और साहिबान ज़ौक इंशाअल्लाह एक लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं होगा, वो सनअत कितनी बेहेब होगी कि जिसके जरिए से सन्नाए आलम अपने को पहचानवा रहा है, वो तस्वीर कितनी हसीन होगी कि जिसके जरिए से मुसव्वर कायनात अपना तारुफ पेश कर रहा है। ए सलवात भेज दे बुलंद आवाज से पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। वो मखलूक कितनी कामिल होगी कि जिसके जरिए से खल्लाक कायनात अपने को पहचानवा रहा है। इससे आप अंदाजा फरमाएं कि रसूल कितना अजीम है, कितना बुलंद मर्तबा है कि जिसके जरिए से अल्लाह अपने को पहचानवा रहा है। अब भला उसे पूछिए जो कहते रसूल हमारे ही जैसे होते हैं, ए सलवात भेजे मर मोहम्मद वाले। आप देखें कि अल्लाह आप हर उलमा माशाल्लाह तशरीफ फरमा है कि अल्लाह की तारीफ को ज़ाहिर के हम्द कहा जाता है और रसूलुल्लाह की तारीफ को नात कहा जाता है। सभी बच्चा बच्चा जानता है कि अल्लाह की तारीफ हम्द है और रसूलुल्लाह की तारीफ जो है वो नात। अल्लाह की तारीफ अगर हो तो कहा जाता है हम्द हो रही है, रसूलुल्लाह की तारीफ हो तो कहा जाता है नात मोहम्मदिया है। ये आए करीमा अजीब गरीब आए करीमा है कि एक रुख से देखिए तो अल्लाह की हम्द है, अल्लाह हु अल्लाह है, हम्द बारी ताला है, अल्लाह की तारीफ है, और दूसरे रुख से देखिए तो नात मोहम्मदिया है। ऐसा रसूल भेजा जिसके ये सिफात हैं, जिसके ये कमालात हैं, तो एक रुख से हम्द है,
دوسرے رخ سے نعت محمدیہ ہے. یہ دنیاوی آئینے ہوتے ہیں, یہ دنیاوی آئینے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک رخ چمکتا ہے دوسرا رخ تاریک رہتا ہے. یہ دنیاوی آئینے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک رخ چمکتا ہے دوسرا رخ تاریک رہتا ہے, مگر یہ آئے کریمہ ایسا آئینہ ہے کہ دونوں رخ چمک رہے ہیں. ایک رخ سے اللہ کی حمد ہے, دوسرے رخ سے نعت محمدیہ ہے. ایک صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد. ایک رخ سے حمد باری تعالیٰ ہے, دوسرے رخ سے نعت محمدیہ ہے. اور صاحبان ذوق تشریف فرما ہے, بہترین مثال ہے آئے کریمہ. آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں حمد بھی ہے, ایک ہی وقت میں نعت بھی ہے. اللہ کا ذکر بھی ہے, رسول کا ذکر بھی ہے. اللہ کی تعریف بھی ہے, رسول کی تعریف بھی ہے. حمد بھی ہے, نعت بھی ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہے ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. اگر رسول اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے. توجہ رہے, اگر اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. اگر رسول اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے. یعنی آئے کریمہ بہترین مثال ہے کہ دو ذکر اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتے, دو تعریفیں اس طرح سے متحد ہو جاتی ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتی. ایک ہی وقت میں اللہ کا ذکر بھی, ایک ہی وقت میں رسول اللہ کا ذکر بھی. اگر اللہ کا ذکر شروع ہوا تو ساتھ ہی ساتھ رسول کا ذکر بھی شروع ہو گیا. اگر رسول کا ذکر شروع ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے. یعنی دو تعریفیں اس طرح سے مل گئی ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتی, جدا نہیں ہو سکتی. تو جب ہم کو قرآن مجید میں یہ مثال مل گئی کہ دو ذکر اس طرح سے متحد ہو جاتے ہیں کہ جدا نہیں ہو پاتے, اگر ایک کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسرے کا ذکر بھی ہے, اگر دوسرے کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ساتھ پہلے کا ذکر بھی ہے. تو جب قرآن میں ایسی مثال ہمیں مل گئی تو اگر رسول سند دے دے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, خدا کا ذکر عبادت ہے, تو تعجب نہ کرنا. ایک صلوات پر آواز سے بر محمد و آل محمد. ایک ہی وقت میں, ایک ہی وقت میں حمد بھی ہے, ایک ہی وقت میں نعت بھی ہے, ایک ہی وقت میں اللہ کا ذکر بھی ہے, ایک ہی وقت میں رسول اللہ کا ذکر بھی ہے. دیکھیے کبھی کبھی ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے, کبھی کبھی یہ افواہ سننے میں ملتی ہے کہ صاحب باری مجلسوں میں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا, ذکر رسالت نہیں ہوتا, ذکر رسول اللہ نہیں ہوتا. لہذا یہ بات کبھی کبھی بطور غلط فہمی کوئی سمجھ لیتا ہے, تصور کر لیتا ہے کہ صاحب رسول اللہ کو ہم معاذ اللہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے, ان کے مرتبے کو ہم زیادہ نہیں سمجھتے, تذکرہ ہم اہل بیت کا زیادہ کرتے ہیں, آل رسول کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں, مولا علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں. نہیں, یہ بالکل ہی غلط فہمی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے, سچائی یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی جلسہ, کوئی بھی تقریر, کوئی بھی بیان, کوئی بھی مجلس بغیر ذکر رسالت کے شروع ہی نہیں ہوتی. بغیر ذکر رسول اللہ کے ہماری کوئی تقریر شروع نہیں ہوتی, کوئی بیان شروع نہیں ہوتا, کوئی مجلس و محفل شروع نہیں ہوتی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبے میں اللہ کا ذکر ہوا, پھر رسول اللہ کا ذکر ہوا, اس کے بعد ہم نے اپنی بات کو آگے بڑھایا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی مجلس بھی بغیر ذکر رسول کے شروع ہی نہیں ہوتی, بغیر ذکر رسالت کے شروع ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم اہل بیت کی مدح کرتے ہیں, ہم آل رسول کی مدح کرتے ہیں, ہم مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن اس سے ہرگز ہرگز ذہن میں تصور نہیں آنا چاہیے کہ بھئی ہم اہل بیت کو زیادہ سمجھتے ہیں, معاذ اللہ رسول اللہ کو کم سمجھتے ہیں. بلکہ ہم تذکرہ اہل بیت اس لیے کرتے ہیں, تذکرہ مولا کائنات اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں تذکرہ اہل بیت ہی, بہت توجہ رہے کہ لفظ پر, جہاں تذکرہ اہل بیت ہے, جہاں تذکرہ مولا کائنات ہے, وہیں بہترین نعت محمدیہ بھی ہے. توجہ رہے, توجہ رہے. عجیب جملہ ہے,
بہترین نعت محمدی یعنی منقبت اہل بیت سے بہتر کوئی نعت محمدیہ نہیں ہے. منقبت اہل بیت سے بہتر کوئی نعت محمدیہ نہیں ہے. کوئی کہے کہ ذکر تو اہل بیت کیا کر رہے ہو, تذکرہ تو اہل بیت کیا کر رہے ہو, مدح تو اہل بیت کی کر رہے ہو اور کہو یہ نعت محمدیہ ہے. بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کیسے کہ ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا, ذکر ہو رہا ہے مولا علی کا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بہترین نعت محمدیہ ہے. تو بھائی بات کو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. لہٰذا ایک مثال دے دی جائے تاکہ بات چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کسی ماہر مصور نے, کسی ماہر فنکار نے ایک حسین تصویر بنائی, ایک خوبصورت تصویر بنائی. وہ تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آئی, ہم نے تصویر کی تعریف کرنا شروع کی, کیا حسین تصویر ہے, کیا خوبصورت تصویر ہے, کیا عمدہ خاکہ کھینچا گیا ہے, کیا اچھا رنگوں کا امتزاج ہے. ہم تعریف کر رہے تصویر کی, ہم تعریف کر رہے ہیں تصویر کی, مگر خوش ہو رہا ہے مصور. ہم تعریف کر رہے ہیں تصویر کی مگر خوش ہو رہا ہے مصور. ہم مصور سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا, ہم نے تو آپ کا ذکر ہی نہیں کیا, ہم نے تو آپ کا تذکرہ ہی نہیں کیا, ہم تو تصویر کی تعریف کر رہے ہیں. تو مصور مسکرا کے جواب دے گا, یہ دیکھو خاکہ کھینچا کس نے, یہ دیکھو رنگ بھرے کس نے, یہ دیکھو تصویر بنائی کس نے. تو تصویر کی تعریف صرف تصویر کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ حقیقت میں مصور کی تعریف ہوتی ہے. تو آل محمد کی تعریف صرف آل محمد کی تعریف نہیں ہے بلکہ حقیقت میں نعت محمدیہ ہے. یہ دیکھو کہ کس کے فضائل کی طرف منتقل ہو رہے ہیں, یہ دیکھو کہ ان کی آغوش میں پرورش پائی ہے, ان کے کردار کے خاکوں میں جو فضیلتوں کے رنگ بھرے جا رہے ہیں وہ دست رسالت مآب سے بھرے جا رہے ہیں. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل. ایک بلند آواز سے صلوات بر محمد و آل. بہت توجہ رہے, بہت کیوں کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے. لہٰذا کوئی بھی وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے, تفصیل نہیں ہو پا رہی ہے, صرف اشارے اشارے ہیں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, مولا علی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی یہ پہلے کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہم مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں, رسول اللہ کو کم مانتے ہیں. نہیں نہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر سے اعلان کرنا چاہتا ہوں اور پوری شیعہ دنیا کی طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے برتر ذات, سب سے عزیز ذات حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے برتر کوئی نہیں, ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں, ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا, ہرگز ہرگز ذہن میں یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا کہ ماشاء اللہ رسول کا مرتبہ کم ہے اور علی کا مرتبہ زیادہ ہے. ہم جب علی کے فضائل دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, جب مولا کے فضائل دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو جہاں مولا کے فضائل دنیا کے سامنے پیش کرنا مقصد ہوتا ہے, وہاں دنیا کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھ لے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا, جب وزیر ایسا ہے تو سلطان کیسا ہوگا, جب نائب رسول ایسا ہے تو خود رسول کیسا ہوگا, جب باب شہر علم ایسا ہے تو خود شہر علم کیسا ہوگا. جب وزیر ایسا ہے تو سلطان کیسا ہوگا, جب نائب ایسا ہے تو اصل رسول کیسا ہوگا. توجہ رہے, جب باب شہر علم ایسا ہے تو خود شہر علم کیسا ہوگا. ارے جب قسیم جنت و نار ایسا ہے تو مالک جنت و نار خود کیسا ہوگا. ارے جب ساقی کوثر ایسا ہے تو مالک کوثر خود کیسا ہوگا. یہ ہم
کو دنیا کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل کے ذریعے سے یہ سمجھیں کہ وہ رسول کیسا ہے کہ جس کے فضائل ان کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد. اور حقیقت بھی یہی ہے, سن لیجئے سن لیجئے, بہت بڑی حقیقت بہت بڑی سچائی کہ جب تک اہل بیت کے فضائل ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں, جب تک اہل بیت کے کمالات ہمارے سامنے نہ ہوں, اس وقت تک ہم رسول کی فضیلت بھی نہیں سمجھ سکتے, اس وقت تک رسول اللہ کا مرتبہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. بہت بڑی حقیقت اور چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت تک رسول اللہ کا مرتبہ ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اہل بیت کے کمالات ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں, جب تک اہل بیت کے فضائل ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو ہم مرتبہ رسالت نہیں سمجھ سکتے, ہم عظمت رسالت نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں, بہت سے کمالات ایسے ہیں جو مصلحت رسول میں ظاہر نہیں ہوئے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں, بہت توجہ چاہ رہا ہوں, جو مصلحت رسول میں ظاہر نہیں ہوئے بلکہ ان جگر کے ٹکڑوں میں ظاہر ہوئے ہیں, ان آئینوں میں ظاہر ہوئے ہیں, فضائل و کمالات جو خود رسول اللہ کے ہیں وہ جگر کے ٹکڑوں میں ظاہر ہوئے, وہ ان دل کے ٹکڑوں میں ظاہر ہوئے, وہ ان آئینوں میں ظاہر ہوئے. لہذا اگر رسول کی صحیح تصویر سمجھنا ہے تو فضائل آل رسول ہم کو دیکھنا پڑیں گے, ان کو سمجھنا پڑے گا. اور یقین جہاں بھی توجہ رہے, جہاں بھی رسول اللہ کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی, جہاں بھی رسول اللہ کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی, ہر مسلمان رسول اللہ سے عشق کرتا ہے, ہر مسلمان رسول اللہ پر اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہے. میں ہرگز یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلمان رسول سے عشق نہیں کرتے, نہیں, ان کے نام پر جان دینے کے لیے آمادہ, ان کے نام کے اوپر اپنی گردن کٹوا دینے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے. لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسی باتیں کیوں آ گئیں جو شان رسالت کے خلاف ہیں, ایسی باتیں کیوں آ گئیں جو شان رسالت کے خلاف ہے؟ اگرچہ ہر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے رسول پر آمادہ, لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں جو شان رسالت کے خلاف ہے. تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی بنیاد اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کو الگ کر کے, جب بھی آل رسول کو الگ کر کے رسول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. فہمی پیدا ہو جائے گی, عشق میں کوئی کمی نہیں رسول کی, محبت میں کوئی کمی نہیں, لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بہت سے فضائل و کمالات ایسے جو اہل بیت میں ظاہر ہوئے ہیں, جو ان آئینوں میں ظاہر ہیں, اسی آئے کریمہ کے ذیل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی کیونکہ لفظ امی استعمال کیا جا رہا ہے اور امی کے معنی بتائے گئے جاہل کے, امی کے معنی بتائے گئے جاہل کے. میں پہلے عرض کر دوں کہ امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں, امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں, امی دو کلموں سے مل کر بنا ہے, لفظ ام اس میں یا نسبتی ہے, لفظ ام اس میں یا نسبتی ہے. اس زمانے میں عرب میں اس بچے کو امی کہا جاتا تھا کہ جس نے کسی سے تعلیم نہ حاصل کی ہو. ارے توجہ, اس زمانے میں عرب میں اس بچے کو امی کہا جاتا تھا کہ جس نے کسی سے تعلیم نہ حاصل کی ہو, جس کا کوئی استاد نہ رہا ہو, جس کا کوئی سکھانے والا نہ ہو, صرف ماں کی آغوش میں تربیت پائی ہو تو اس کو کہا جاتا تھا امی, اس کو کہا جاتا تھا امی, کہ جس نے صرف ماں کی آغوش میں تربیت پائی ہو, کسی استاد کے سامنے زانو دبتہ نہ کیا ہو, کسی استاد سے کوئی سیکھا نہ ہو, صرف ماں کی آغوش میں پرورش پائی ہو. تو کیونکہ اس زمانے کی مائیں جاہل ہوا کرتی تھی, لہذا نتیجتاً ایسا بچہ جاہل رہ جاتا تھا. تو
उम्मी के मानी जाहिल के नहीं है बल्कि उम्मी होने का नतीजा जहल हुआ करता था, इसीलिए ऐसे बच्चे को जाहिल कहा जाता था। जाहिल वो उम्मी वो कि जिसने किसी से सीखा ना हो, उम्मी वो कि जिसका कोई उस्ताद ना हो। तो इसका मतलब यह है कि उम्मी के मानी जाहिल के नहीं है बल्कि उम्मी के मानी है कि जिसने दुनिया में किसी से कुछ सीखा ना हो, दुनिया में किसी से तालीम हासिल ना की हो। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अभी दो दिन पहले शहादत की तारीख गुजरी है, रात के मुताबिक 25 शव्वाल छठे बाब शाह फरमाते, किसी ने कहा फौदंद रसूल आए करीम, इसी आए करीमा की तिलावत की, फौदंद रसूल मक्के वालों को भी उम्मी कहा जा रहा है और आपकी जद को भी उम्मी कहा जा रहा है। मक्के वाले इसलिए उम्मी थे कि जाहिल थे, बे पढ़े लिखे थे, और आपके जद के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो क्या माजल्ला आपके जद भी मक्के वालों की तरह से जाहिल और बे पढ़े लिखे थे? तो जो इमाम ने जवाब दिया और सुनिए, इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर इसी आयत को गौर से पढ़ लिया होता, इसी आयत को गौर कर लिया होता तो खुद आयत ने फर्क पैदा कर दिया है, खुद आयत ने इम्तियाज पैदा कर दिया है। जब मक्के वालों के लिए लफ्ज उम्मी इस्तेमाल हुआ तो कुरान कह रहा है इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लाल मुबीन, ये खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे, तो इनके लिए जाहिल का लफ्ज सही है। मेरे जद के लिए लफ्ज उम्मी इस्तेमाल हुआ तो आयत पढ़कर आवाज देती है, ये उम्मी वह जो आयतों की तिलावत करता है, ये उम्मी वह जो नफ्सों को पाक करता है, ये उम्मी वह जो किताब हिकमत की तालीम देता है। अगर खुद नहीं जानता तो सुनाता कैसे है, अगर खुद नहीं वाकिफ तो किताब हिकमत की तालीम कैसे देता है? इसका मतलब है कि वो उम्मी और थे जो जाहिर थे, ये उम्मी और था जिसे मौलवी में कायनात बनाकर भेजा जा रहा है। सलवात भेजते हैं बुलंद आवाज से पर मोहम्मद। मैंने अर्ज किया कि क्यों जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम को जुदा कर दिया जाएगा और तन्हा रसूलुल्लाह को समझने की कोशिश होगी तो फिर हमेशा कोई ना कोई गलत फहमी पैदा हो जाएगी। फिर मिसाल दे दूं ताकि बच्चों की बात समझ में आ जाए। आप देखें कि बच्चों की जहानत का इम्तिहान लिया जाता है, जिसको जिक्सा पजिल अंग्रेजी में कहते हैं, जो बच्चे हैं हमारे वो जानते होंगे। वो जिक्सा पजिल इस तरह से होता है कि एक तस्वीर के बहुत से टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन टुकड़ों को फैला दिया जाता है और उसके बाद बच्चे की जहानत का इम्तिहान लिया जाता है कि कौन जल्दी जल्दी सारे तस्वीर के टुकड़ों को मिलाकर तस्वीर मुकम्मल कर देता है। तो सारे टुकड़ों को मिलाकर जो सबसे पहले तस्वीर मुकम्मल करता है उसको जहानत का पहला इनाम मिलता है। तो मैं तो समझता हूँ शायद अल्लाह ने मुसलमानों की जहानत का इम्तिहान लेने के लिए रसूल की तस्वीर को 14 टुकड़ों में बांट दिया। कौन सही सही तस्वीर को मिलाकर तस्वीर को मुकम्मल कर रहा है? एक सलवात भेज दे बड़ा नवाज। हकीकत यही है, हकीकत यही है कि सिर्फ एक टुकड़े को अगर तस्वीर की लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी तस्वीर समझ में नहीं आएगी कि जब तक सारे टुकड़े मिला ना लिए जाएं। इसीलिए रसूलुल्लाह के सिलसिले में जो भी गलत फहमी पैदा हुई उसकी बुनियाद यही है कि सिर्फ एक टुकड़े को लेकर तस्वीर को समझा जा रहा है जब तक सारे टुकड़े मिला ना लिए जाए। उस वक्त तक तस्वीर की शिनाख्त नहीं हो सकती, उस वक्त तक तस्वीर की मारिफत नहीं हो सकती। 14 टुकड़ों को मिलाओ तब समझ में आएगा रसूल कैसे थे। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज से बर मोहम्मद मोहम्मद। अब यहाँ के ऊपर जो गलत फहमी पैदा हुई कि रसूलुल्लाह माजल्ला जाहिल थे, बे पढ़े लिखे थे, पूरे कुरान में कहीं नहीं है रसूलुल्लाह के लिए कि बे पढ़े लिखे और जाहिल थे, बल्कि ऐलान हो रहा है कि अल्लमक मालम तकुन तालम, अल्लमक मालम तकुन तालम, ये रसूल जो आप नहीं जानते थे वो हमने सिखा दिया, जो आप नहीं जानते थे वो हमने पढ़ा दिया। तो अगर कोई कहे कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उसकी जबान से इधर निकला के नहीं जानते थे, उधर आयत ने ऐलान किया अगर नहीं जानते थे तो हमने सिखा दिया।
नहीं जानते थे तो हमने पढ़ा दिया, अगर नहीं जानते थे तो हमने बता दिया। आप देखें, क्योंकि मौला अली के सिफात कमालात पर नजर नहीं, इसलिए गलतफहमी पैदा हुई कि रसूल को लिखना पढ़ना नहीं आता था। एक दलील देना चाहता हूँ, मैंने कहा कम वक्त में अपनी बात मुकम्मल करना है, दलील देना चाहता हूँ। देखिए, वो दलील कमजोर होती है कि जिसका किसी खास अकीदे से ताल्लुक होता है, क्योंकि दूसरा अकीदे वाला कह देता है कि तुम्हारा अकीदा हमसे क्या मतलब। वो दलील कमजोर होती है कि जिसका किसी खास मजहब से ताल्लुक होता है, दूसरे मजहब वाला कह सकता है कि भाई तुम्हारा मजहब हमसे क्या ताल्लुक। दलील वो मजबूत होती है, और दलील वो दलील होती है कि जिसको हर अकीदे वाला मानने पर मजबूर हो जाए, जिसको हर मसलक वाला मानने पर मजबूर हो जाए, कि जिसको हर मजहब वाला मानने पर मजबूर हो जाए। मैं ऐसी दलील पेश करना चाहता हूं कि जिसका ताल्लुक न किसी मजहब से है, न किसका इसका ताल्लुक किसी खास अकीदे से है, बल्कि जिसका ताल्लुक तारीखी हकायक से है, हिस्टोरिकल फैक्ट से। बहुत तवज्जो है दलील की वजह करना चाहता, पढ़ लिखे मजमे के लिए दलील है। इब्ने खल्लदून तहरीर करते हैं, बहुत बड़े मुअर्रिख, के वक्त बेसत रिसालत मां सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। इतना बड़ा कबीला कुरैश, कुरैश में सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, इतना बड़ा कबीला कुरैश का, और सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। जो अपना नाम भी लिख लेता था उसको भी पढ़ा लिखा शुमार किया जाता था, और कुल 17 लोग थे ऐसे, कुल बहुत तवज्जो, दलील पर बहुत तवज्जो, कुल 17 लोग ऐसे थे कि जो लिखना पढ़ना जानते थे। पूरे कुरैश में इब्न खल्लदून लिख रहे हैं, और उसके बाद वो लिखते हैं कि सरे फेरिस नाम था अली इब्न अबी तालिब, सरे फेरिस नाम था अली इब्न अबी तालिब। इसका मतलब इस बात अकीदे से ताल्लुक नहीं रखती, बात मजहब से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि तारीखी हकीकतों से बात ताल्लुक रखती है। मौरखीन ने तहरीर किया उस आलम जहालत में कि जब 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, अली बेहतरीन तरीके से लिखना पढ़ना जानते थे, मौला अली बेहतरीन तरीके से लिखना पढ़ना जानते थे। मौलखीन ने तहरीर किया, हिस्टोरियंस ने तहरीर किया कि अली बेहतरीन तरीके से लिखना पढ़ना जानते थे। जब हर तारीख लिख रही है, हर तारीख लिख रही है कि अली बेहतरीन तरीके से लिखना पढ़ना जानते थे, तो अब सारी तारीखें खंगाल लीजिए, एक एक वर्ग देख लीजिए, एक एक सतर देख लीजिए, एक एक जुमला देख लीजिए, एक एक लम देख लीजिए। ये जहां सारी तारीखें लिख रही है कि अली लिखना पढ़ना जानते थे, मगर किसी भी तारीख में किसी उस्ताद का नाम नहीं। अरे तवज्जो रहे, किसी भी तारीख में किसी उस्ताद का नाम नहीं कि फुला से अली ने लिखना पढ़ना सीखा था, फुला अरब के आदमी से अली ने लिखना पढ़ना सीखा था। मैं चाहता हूं कि कोई गोशा छूटे नहीं। कोई भी कह सकता है कि हर चीज तारीख में थोड़ी आ जाती है, हर चीज हिस्ट्री में थोड़ी आ जाती है। हो सकता है अली का कोई उस्ताद रहा हो और तारीख में ना लिखा हो, तारीख में दर्ज न किया हो, तो मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं? अरे जिसके शागिर्दों के नाम फखरिया तारीख में आ गए, अगर कोई उसका उस्ताद होता तो तारीखों में सुनहरी हरफों से उसका नाम लिखा होता। अगर अली का कोई अरब में उस्ताद होता तो तारीखी तमाम तारीखों में सुनहरी हरफों से उसका नाम लिखा होता कि फुला शख्स अली का उस्ताद रहा, फुला शख्स अली का उस्ताद रहा। लेकिन तमाम तारीखें लिख रही हैं कि लिखना पढ़ना तो जानते थे, मगर किसी उस्ताद का नाम नहीं, और सिवाय आगोश रसूल के। कहीं तरबियत नहीं पाई सिवाय आगोश रिसालत के, कहीं तरबियत नहीं पाई। तो मुझे इतना बता दो कि जब उस्ताद खुद नहीं जानता था तो शागिर्द को सिखा कैसे रहा था, शागिर्द को बता कैसे रहा था? अगर कोई ये कहे, बात तवज्जो, कोई ये कहे कि हमारे अकीदे के मुताबिक अली उस शख्सियत का नाम है, अली उस शख्सियत का नाम है जो अपना इल्म बारगाह इलाही से लेकर आए थे, लिहाजा लिखना पढ़ना भी
अल्लाह की बारगाह से सीख कर आए थे तो मैं सरे तस्लीम खम करूंगा, मगर इतना जरूर करूंगा कि जो वसी के लिए इतना एहतमाम करे कि अपने बारगाह से पढ़ा लिखा कर भेजे तो क्या खुद रसूल को जाहिल भेज देता। सलवात बुलंद आवाज से बर मोहम्मद वाले मोहम्मद एक दलील देना चाहता हूं और इसी आयत करीमा ही के से इस्तेफादा करते हैं, इसी आयत करीमा ही से इस्तेफादा करते हैं। पूरे कुरान मजीद में कहीं भी रसूलुल्लाह के लिए, हमारे इस आखिरी रसूल के लिए लफ्ज जाला इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं लफ्ज जाला इस्तेमाल नहीं हुआ, या लफ्ज बासा है या लफ्ज अरसला है, लफ्ज जाला नहीं इस्तेमाल हुआ। एक मकाम पर इस्तेमाल हुआ, मैं कोई दूसरे मानू में इनके लिए या लफ्ज जाला या लफ्ज बासा है या लफ्ज अरसला है। दूसरे अंबिया के लिए हमको लफ्ज जाला मिलेगा, जनाब आदम इन्नी जालुन फिल अर्ज खलीफा, लफ्ज जाला मिल रहा है। जनाब दाऊद के लिए या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज, लफ्ज जाला मिल रहा है। जनाब इब्राहिम के लिए इन्नी जालो का लिन्ना से इमामा, लफ्ज जाला मिल रहा है। जनाब ईसा जब पैदा हुए हैं और जब यहूदियों ने एतराज किया है तो जनाब मरियम ने इशारा किया कि किसी बच्चे से पूछ लो, तो जनाब ईसा ने जवाब दिया 3 दिन के सिन में जो जवाब दिया है कि इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जालनी नबिया, जालनी नबिया, लफ्ज जाला इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमारे नबी के लिए या लफ्ज बासा है या लफ्ज अरसला है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा, लफ्ज अरसला है। और वो मशहूर तरीन आयत वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, लफ्ज अरसला इस्तेमाल हो रहा है या लफ्ज बासा इस्तेमाल हो रहा है, लफ्ज जाला इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या फर्क है, उलमा बेहतर जानते हैं मुझसे। जाला के मानिए बनाना और बासा और सला के मानिए भेजना, जाला के मानिए बनाना और बासा और सला के मानिए भेजना। जो चीज मौजूद नहीं होती है वो बनाई जाती है, जो चीज पहले से मौजूद होती है वो भेजी जाती है। इसका मतलब है कि किसी बारगाह में बहसियत नबी पहले से मौजूद थे, किसी बारगाह में बहसियत नबी पहले से मौजूद थे कि जहां से भेजे जा रहे हैं। बस यही फर्क है दूसरे अंबिया में और हमारे आखिरी नबी में, यही फर्क है दूसरे अंबिया में और हमारे आखिरी रसूल में कि वो दूसरे अंबिया पैदा होकर नबी बने, पैदा होकर नबी बने और हमारा आखिरी नबी नबी बनकर पैदा हुआ। हमारा आखिरी नबी नबी बनकर पैदा हुआ। बस इसी से इस्तेफादा करके अर्ज करना चाहता हूं कि इस जमीन पर बसने वालों को ये हक ही नहीं हासिल कि रसूल के लिए फैसला करें कि लिखना पढ़ना आता था कि नहीं आता था। इस जमीन पर बसने वालों को ये हक ही नहीं हासिल कि रसूलुल्लाह के लिए फैसला करें कि लिखना पढ़ना आता था कि नहीं आता था। छोटी छोटी मिसालों से, सादा मिसालों से बात बच्चों की भी समझ में आ जाती है। यार छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, फर्ज कीजिए कि मैं किसी इलाके में पहली मर्तबा गया। बहुत इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक मैं नहीं गया हूं, बहुत जगह ऐसे पहली मर्तबा वहां हाजिरी होती मेरी, तो पहली मर्तबा मैं किसी इलाके में गया। इत्तेफाक से वक्त नहीं था कि कुछ बातचीत हो सके, मजलिस का वक्त हो चुका था, मुझे ताखीर हो गई फर्ज कीजिए। तो वालवा के साहब उन्होंने मुंतजमीन ने कहा कि साहब मजमा तैयार है,
आप फौरन मिंबर के ऊपर तशरीफ ले जाइए। मैं जल्दी से आते ही मिंबर पर बैठ गया। जैसे ही मैं मिंबर पर बैठा, मजमे से एक साहब बोलने लगे कि इनको ना लिखना आता है ना इनको पढ़ना आता है। ना इनको लिखना आता है ना इनका पढ़ना आता है। बराबर उनके साथ बैठे थे वो समझदार थे, उनके भाई तुमने कैसे फैसला कर लिया कि इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। कब मैंने ना कभी इनको लिखते देखा न कभी पढ़ते देखा, लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। वो शख्स कहने लगा है तुम्हें इस फैसले का हक नहीं है, तुम्हें इस फैसले का हक नहीं है क्योंकि ये तो तुम्हारी बस्ती में अभी आ रही है। तुम्हें ये फैसले का हक नहीं है, ये तुम्हारी बस्ती में तो अभी आ रहे हैं, रहने वाले कहीं और के, बसने वाले कहीं और के, वतन कहीं और, जिंदगी कहीं और गुजारी। लिहाजा अगर तुम्हें ये मालूम करना है कि इन्हें कुछ सीखा या नहीं सीखा, कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, किसी के जाने सामने जानू अदब तय किया या नहीं किया, किसी मदरसे में पढ़े या नहीं पढ़े, तो वहां पूछो कि जहां से आ रहे हैं। वहां पूछो कि जहां से आ रहे हैं, इसीलिए कुदरत ने यह एहतमाम किया रसूल के लिए लफ्ज चाला नहीं, यह लफ्ज भाषा है, यह लफ्ज असला है। मैं भेज रहा हूं। अगर हिम्मत हो तो उस बारगाह से पूछो कि चाहे भेज रहा है या पढ़ा लिखा क्या भेज रहा है। अगर मर्तबे बस बहुत ज्यादा वक्त ही है, मर्तबे रिसालत अगर मालूम करना हो तो उनसे पूछो जो जिगर के टुकड़े हैं, उनसे पूछो जो दिल के टुकड़े हैं, उनसे पूछो जो इस रसूल इसकी तस्वीर के जुज हैं, अज्जा हैं, जो टुकड़े हैं उनसे पूछो, जो कुरान नातिक के पारे हैं उनसे पूछो, जो कुरान नातिक के पारे हैं उनसे पूछो, वो बताएंगे कि इनकी फजीलत क्या है, वो बताएंगे कि इनका शरफ क्या है, वो बताएंगे कि इनका मर्तबा क्या है, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह को अहले बैत से लिया है, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह को आले रसूल से लिया है, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह को उनके जिगर के टुकड़ों से लिया है। लिहाजा हमारा अकीदा कहीं ऐसा नहीं है जो कभी कोई एक उंगली भी रख सके कि आपका ये अकीदा शानदार रिसालत के खिलाफ है, आपकी ये बात शानदार रिसालत के खिलाफ है, क्योंकि हमने अहले बैत से अकीदे रिसालत लिया। नहीं नहीं, किसी की तौहीन नहीं, हरगिज नहीं, मेरा ये अकीदा भी नहीं है, ना मेरा अंदाज है, ना हम लोगों का अंदाज है किसी की हल्की सी भी तौहीन हो, लेकिन बात जो हकीकत वो पहुंचना चाहिए कि जिसमें जिस चीज की सलाहियत होती है सवाल उसी से होना चाहिए, जिसमें जवाब देने की सलाहियत हो वो सवाल उसी से होना चाहिए। आप किसी फर्ज कीजिए कि कोई उस्ताद जो है आठवां पढ़ाता हो, उससे आप एमए का सवाल करने लगे तो जाहिर है बेचारा जवाब नहीं दे पाएगा, वो कहेगा भाई मैं आठवां पढ़ाता हूँ मुझे ये, आप किसी एमए के उस्ताद से आप सवाल कीजिए वही बता पाएगा। नहीं नहीं, दूसरी मिसाल दे देता हूँ ताकि बात बिल्कुल बच्चों के लिए आसान हो जाए। आप देखें कि चाय की प्याली मेरे सामने आई, अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि इस चाय की प्याली में शक्कर है या नहीं, चाय की प्याली में शक्कर है या नहीं, तो मैंने चाय की प्याली उठाकर अपनी नाक पर रखी और नाक से पूछा कि भाई इसमें शक्कर है कि नहीं, तो पूरी जिंदगी नाक के ऊपर चाय की प्याली रखी रहेगी मगर नाक नहीं बता सकती कि इसमें शक्कर है या नहीं। कोई कहे अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम नाक से ना पूछो, तो अरे साहब आप नाक की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, नाक की तौहीन नहीं हो रही है, अल्लाह ने नाक में सलाहियत ही नहीं दी कि वो बता सकते कि शय का मजा क्या है, ये जबान से पूछो,
زبان کو اللہ نے صلاحیت دی کہ مزہ بتائے کہ بھئی اس میں شکر ہے یا نہیں ہے. یہ رومال ہے میں اپنی کانٹ پر رکھ کر پوچھوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس رومال کا رنگ کیا ہے. تو دن بھر کان کے اوپر رومال رکھا رہے گا مگر کان نہیں بتا پائے گا کہ اس کا رنگ کیا ہے. ہر ایک کوئی بھی کہے صاحب کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم, کان کے اوپر کوئی رومال رکھے ہو یہ نہیں بتا سکتا. ہم کہتا رہا صاحب کان کی توہین کر رہے ہیں, کان کی انسلٹ کر رہے ہیں. کہنے تھا کان کی انسلٹ نہیں کر رہے ہیں, کوئی انسلٹ نہیں, کوئی توہین نہیں, اللہ نے اسے صلاحیت ہی نہیں دی ہے. ارے توجہ رہے, اللہ نے اسے صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ تمہارے سوال کے جواب دے. یہ آنکھوں سے پوچھو, توجہ رہے, یہ آنکھوں سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیا ہے, کیونکہ اس سوال کی جواب کی صلاحیت آنکھوں میں ہے, کان میں نہیں ہے, زبان میں نہیں ہے, ناک میں نہیں ہے. تو اس میں نہ ناک کی توہین ہے, نہ کانوں کی توہین ہے, نہ زبان کی توہین ہے, کیونکہ اللہ نے انہیں صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ یہ سوال کا جواب دے سکے. اسی لیے اگر رسول کا مرتبہ پوچھنا ہے تو جگر کے ٹکڑوں سے پوچھو. ایک سلوات بلند آواز پر, محمد و آل محمد. ایک سلوات بلند آواز بھیج, بہت وسیع موضوع ہے, جتنا بھی عرض کیا جائے کم ہے. بس بس بات کو مختصر کر کے اب کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اعلان ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے, یہ رسول وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے, یہ رسول وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ ترجمہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, مجھ سے بھی آپ نے یہی ٹرانسلیشن سنا, لیکن یہ ٹرانسلیشن نامکمل ہے, یہ ترجمہ نامکمل ہے, یہ ترجمہ ناقص ترجمہ ہے, یہ نامکمل ترجمہ ہے. دیکھیے نہ اردو زبان میں چیز ہے, نہ انگریزی میں ہے, نہ اور کسی زبان میں چیز ہے جو عربی زبان میں ہے. ایک اردو میں ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. کوئی بھی جملہ ہوگا یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہوگا, یا حال سے, یا مستقبل سے تعلق رکھتا ہوگا. انگریزی میں بھی یہی ہے, لیکن عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک صیغہ ایسا ہے کہ جس میں دو زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں, دو زمانے اور دو ٹینس ایک ساتھ پائے جاتے ہیں, جس کو مضارع کا صیغہ کہتے ہیں, کہ جس میں دو زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں, جس میں زمانے حال بھی اور زمانے مستقبل یا مستقبل بھی اس میں پایا جاتا ہے, دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. تو اب جو ایک ٹرانسلیشن کیا, اس میں جتنے بھی جملے ہیں استعمال ہوئے وہ سب مضارع کے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ مضارع, یزکیہم مضارع, یعلمہم الکتاب والحکمہ مضارع, مضارع. مضارع میں صرف ایک زمانہ نہیں ہوتا بلکہ دو زمانے پائے جاتے ہیں, دو زمانے پائے جاتے ہیں, حال بھی مستقبل, پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر, ایک ساتھ دونوں ٹرس پائے جاتے ہیں, ایک ساتھ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. تو ٹرانسلیشن اب صحیح کیا ہوگا؟ ٹرانسلیشن صحیح ہوگا کہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. توجہ رہے, یہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, یہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. ارے توجہ, پہلی بات تو یہ ہوئی کہ زمانہ حال بھی ہے اور زمانہ مستقبل بھی ہے. دوسری بات یہ ہے, ہمیشہ زمانے کا تعین بولنے والے کے لحاظ سے ہوتا ہے, متکلم کے لحاظ سے ہوتا ہے, بولنے والے کے لحاظ سے زمانے کا تعین ہوتا ہے. پھر مثال دے دوں آپ کے سامنے, چھوٹی چھوٹی آسان کہ بچے بھی سمجھیں. ایک 20 سال کے جوان نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا کرتا رہوں, کوئی بھی کام,
मैं काम करता हूं और करता रहूंगा, 20 साल का सीन है। तब आप क्या तस्वीर करेंगे कि अभी 60 साल और ये काम अंजाम दे सकता है। यूं तो अल्लाह की मसलहत है भैया, एक ही दिन में इंतकाल हो जाएगा, लेकिन जाहिरी लिहाज से आप क्या फैसला करेंगे कि इसका 20 साल का सीन है। उम्र 75-80 साल के सीन में लोग दुनिया से रुखसत होते हैं, लिहाजा अभी 60 साल तक और ये काम अंजाम दे सकता है, ये 20 साल का बच्चा है। एक 50 साल के सीन के आदमी ने कहा कि मैं काम करता हूं और करता रहूंगा, तो क्या उसके लिए भी आप यही सोचेंगे कि अभी 60 साल और? यूं तो अल्लाह की मसलहत है कि उसको और 100 साल से ऊपर जिंदगी दे, लेकिन जाहिरी लिहाज से आप क्या फैसला करेंगे कि बस 20-25 साल और, 25 साल और, 30 साल और, इससे ज्यादा? अब उसके लिए 60 साल का तस्वीर नहीं करेंगे आप, क्योंकि सिन क्या है बोलने वाले का 50, और एक 70 साल का बूढ़ा यही बात कह रहा हो कि काम मैं करता हूं और करता रहूंगा, तो क्या इसके लिए भी आप सोचेंगे कि अभी 25-30 साल और? नहीं, जाहिरी लिहाज से आप सोचेंगे मैं 5-10 साल और। यू अल्लाह की मसला है कि वो 100 साल 150 साल का हो जाए, लेकिन जाहिरी लिहाज से बात कर रहा हूं मैं, जाहिरी लिहाज से कि एक 20 साल का जवान बात कहेगा तो आप तसव्वुर करेंगे कि अभी 55-60 साल तक और ये काम अंजाम दे सकता है। एक 50 साल का आदमी अधेड़ ये बात कहेगा, आप सोचेंगे भाई 25-30 साल और ये काम अंजाम दे सकता है। एक 70-75 साल का बूढ़ा ये बात कहेगा तो आप समझेंगे भाई 5-10 साल और ये काम अंजाम दे सकता है। तो आपने जमाने का तय्यन किसके तरीके से किया? बोलने वाले की। अरे तवज्जो है, जो मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम के लिहाज से जमाना मुतय्यन होता है, मुतकल्लिम के लिहाज से जमाने का तय्यन होता है। तो अब मुझे बताइए आयत में मुतकल्लिम कौन है? आयत में मुतकल्लिम कौन है? रसूल नहीं कह रहे हैं, अरे तवज्जो, रसूल नहीं कह रहे हैं कि मैं आयतों की तिलावत करता हूं करता रहूंगा, नफ्सों को पाक करता हूं करता रहूंगा, किताब हिकमत की तालीम देता हूं देता रहूंगा। मुतकल्लिम रसूल नहीं है, मुतकल्लिम अल्लाह है, मुतकल्लिम अल्लाह है, बोलने वाला अल्लाह है, ऐलान करने वाला अल्लाह है। तो हमेशा जमाने का तय्यन मुतकल्लिम के लिहाज से होता है, बोलने वाले के लिहाज से होता है। जब मुतकल्लिम अल्लाह है तो अब रसूल के लिहाज से जमाने का तय्यन नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के लिहाज से जमाने का तय्यन होगा। तो इसका मतलब यह है कि कम अज कम अगर जमाना हम मुराद लेंगे तो कयामत तक का जमाना, कयामत तक का जमाना। कोई अल्लाह इलान फरमा रहा है कि आयतों की तिलावत कयामत तक होती रहेगी, नफ्सों को पाक करना कयामत तक होता रहेगा, किताब व हिकमत की तालीम कयामत तक दी जाती रहेगी। इसका मतलब यह है कि आए करीमा हम सिर्फ रसूल तक महदूद रखें, अरे तवज्जो, अगर से रसूलुल्लाह तक महदूद रखे तो आए करीमा का हाल तो रोशन रहेगा मगर मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। लिहाजा जरूरत है कि अगर इसने मुस्तकबिल को शामिल करना है तो आले मोहम्मद को शामिल करना पड़ेगा कि कयामत तक कोई मोहम्मद जैसा किताब व हिकमत की तालीम देता रहेगा, नफ्सों को पाक करता रहेगा, आयतों की तिलावत करता रहेगा। सलवात भेज दे पर मोहम्मद। आज भी कोई मोहम्मद है जो नियाबते रसालत में आयतों की तिलावत भी कर रहा है, नफ्सों को पाक भी कर रहा है, किताब और हिकमत की तालीम भी दे रहा है? उसी को हम इमाम जमाना कहते हैं। सलवात कहते हैं। क्योंकि शहादते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना है, अगरचे दामन बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, मैं चाहता दो जुमले
इस इमाम के साथ के लिए अर्ज किया जाए, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक 15 शव्वाल है शहादत और एक रिवायत के मुताबिक 25 शव्वाल है। लिहाजा शव्वाल का महीना जो है वह शहादत है, छठे इमाम की शहादत का जमाना है। लिहाजा मैं चाहता हूँ दो जुमले अर्ज करता चलूँ इस सिलसिले में, फिर एक दलील देना चाहता हूँ, फिर एक दलील देना चाहता हूँ। जाहिर के बाद जब तक दलील के साथ ना हो कोई भी मानने पर तैयार नहीं होता। लिहाजा दलील ऐसी कि जो कोई काट ना सके, दलील ऐसी जो कोई काट ना सके, अगर दलील काट दी जाए तो हम अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर रद्द कर दी जाए दलील तो हम अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना मजहब छोड़ने के लिए अगर दलील को रद्द कर दिया जाए। दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा आलिम, दुनियावी लिहाज से देखिए चाहे दीनी लिहाज से देखिए, उसका कोई ना कोई उस्ताद मौजूद होगा। अरस्तु के बगैर उस्ताद के अरस्तु हो गया, उस्ताद था उसका, एक भी उस्ताद हो सकते, कई भी हो सकते। अफलातून उस्ताद मौजूद, सुकरात उस्ताद मौजूद, एक नाम और आप सुनते रहते हैं, अरस्तु, अफलातून, सुकरात और एक नाम और इसके साथ लिया जाता है बुकरात एक नाम और लिया था बुकरात। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि बुकरात का कोई वजूद हिस्ट्री में नहीं है, तारीख में बुकरात का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हर महल्ले में दो चार मिल जाएंगे। तारीख में तो नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, मैं हर मजमे में और हर महल्ले में दो चार बुकरात जरूर मिल जाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं कि जिसका उस्ताद ना हो। बड़े से बड़ा साइंसदान आप ले लीजिए, आइंस्टाइन है कि बगैर उस्ताद की तबड़ा साइंसदान बन गया, न्यूटन है क्या बगैर उस्ताद के न्यूटन बन गया, स्टीवेंसन है क्या उस्ताद नहीं थे। अरे आप दीनी लिहाज से देख लीजिए क्या आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी मुद्दतुल हलाली क्या पैदाइशी आयतुल्लाह और मुज्तहिद थे? नहीं, उस्ताद थे जिनके सामने दानो अदब तय किया, तब मरजियत मुज्तहिद बने, फिर मर्जा बने, आयतुल्लाह उज़्मा बने, आयतुल्लाह खामनेई मुद्दतुल हलाली क्या पैदाइशी तौर पर आयतुल्लाह? नहीं, रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल किया तब ताकि मरजियत के दर्जे पर पहुंचे। आयतुल्लाह उज़्मा हुई कि सब किसके नाम आप ले लीजिए, हर एक का उस्ताद आपको मिलेगा। बगैर उस्ताद के आपको कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत नहीं मिलेगी। बगैर उस्ताद के दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, बड़े से बड़ा आलिम क्यों ना हो, बगैर उस्ताद के वो नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक खानवादा ऐसा है, सिर्फ एक खानवादा ऐसा है तारीख में, सिर्फ एक खानवादा ऐसा है कि जिसके शागिर्द तो मिलते हैं मगर उस्ताद कोई नहीं, जिसके शागिर्द तो मिलते हैं मगर उस्ताद कोई नहीं है, वह है खानवाद रिसालत, वह है खानवाद अहले बैत में सलाम सलवात भेजे पर मोहम्मद। कभी कहीं दिखा दीजिए, मैंने कहा चैलेंज के साथ, कहीं दिखा दीजिए कि अहले बैत में से किसी ने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर कोई मसला पूछा हो कि भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है जरा आप बता दीजिए, ये मसला हमारी समझ में नहीं आ रहा आप बता दीजिए, ये कभी किसी दरवाजे पर नजर नहीं आए और बड़े बड़े इनके दरवाजों पर नजर, ये कभी किसी से पूछते नजर नहीं आए और इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियतें इनसे पूछती हुई नजर आ रही हैं। और यहां तक के इकरार करना पड़ा कि अल्लाह मुझे उस दिन के लिए जिंदा न रखे कि जिस दिन मसले का जवाब देने के लिए अबुल हसन मौजूद न हो। एक सलवात भेजे मौलाना आस्तबर मोहम्मद, पूरी दुनिया में एक खानवादा ऐसा कि जिसके शागिर्द तो हैं
मगर जिसका कोई उस्ताद नहीं है, बल्कि यहां तक कह सकता हूं तमाम तारीखों में दर्ज है, कोई इख्तलाफी चीज नहीं, तमाम तारीखों में दर्ज है कि जो दूसरे मजाहिब के जो इमाम हैं वो हमारे इमामों के शागिर्द हैं, वो हमारे इमामों के शागिर्द हैं, इमाम मालिक शागिर्द हैं हमारे छठे इमामों में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अबू हनीफा शागिर्द हैं हमारे इमाम छठे इमामों में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, और इमाम शाफी शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद के, इमाम मोहम्मद शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के, तो इमाम शाफी शागिर्द के शागिर्द हैं, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल शागिर्द है इमाम शाफई के, और इमाम शाफई शागिर्द है इमाम मोहम्मद के, और इमाम मोहम्मद शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के, और इमाम अबू हनीफा शागिर्द है हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो यह बड़ा रास शागिर्द है ये दरमियान में शागिर्दों के वास्ते से शागिर्द, तो ये अजमत और ये शरफ ये मर्तबा हमारे इमामों को हासिल है, इसीलिए जिनको आज दुनिया इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के नाम से याद करती है, इनके सिलसिले में इब्न तैमिया ने लिख दिया कि नहीं ये शागिर्द नहीं थे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द नहीं थे। इब्न तैमिया जो वहाबियत के बानी कहे जाते हैं, उन्होंने लिखा कि हम नहीं मानते कि इमाम अबू हनीफा जो है वो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द, उसके लिए उन्होंने कोई दलील नहीं दी है, सिर्फ दलील सिन की दलील दी, सिन क्योंकि इमाम अबू हनीफा का सिन ज्यादा था, इमाम जाफर सादिक का सिन कम था, लिहाजा इसी को दलील बना लिया उन्होंने कि एक बड़ा छोटे का शागिर्द कैसे हो सकता है एक बड़ा छोटे का शागिर्द कैसे होता है, कैसे हो सकता है, लेकिन अल्लाह में शिबली नोमानी सीरते नोमानिया सीरते नोमानिया, ये अल्लाह में शिबली के अलफारूख मशहूर अल फारूक जिनकी मशहूर तरीन किताब है अल्लामा शिबली नोमानी की, अल फारूक उनकी किताब है, उन्हीं ने सीरत नबी उनकी किताब बहुत मशहूर है, उन्हीं ने किताब लिखी है सीरत नोमानिया, सीरत नोमानिया, ये इतना मुतासिर थे इमाम अबू हनीफा से कि इमाम अबू हनीफा का नाम था नोमार इब्न साबित, इनका नाम था नोमार इब्न साबित, तो इसीलिए अपने को नोमानी लिखते थे अल्लामा शिबली, इतना अकीदा था उनको इमाम अबू हनीफा से अल्लाह में शिबली नोमानी को, इतना अकीदा था इमाम अबू हनीफा से कि अपने को मंसूब कर दिया था उन्होंने इमाम अबू हनीफा की तरफ, और अपने को नोमानी लिखते थे, वो सीरत नोमानिया में लिखते हैं कि ये इब्ने तैमिया की गुस्ताखी है, अल्लाह में शिबली लिख रहे हैं कि इब्ने तैमिया की गुस्ताखी है, जो शागिर्दी से इनकार वो कर रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं कि अहले बैत से ज्यादा दीन को कौन समझेगा, अहले बैत से ज्यादा कुरान को कौन समझेगा, क्योंकि दीन इनके घर में नाजिल हुआ, कुरान इनके घर में नाजिल हुआ, तो अहलुल बैत अदरा बिमाफिल बैत, और घर की बात को घर वाला ही बेहतर समझेगा, ये अल्लामा शिबली नोमानी के जुमले हैं जो उन्होंने सीरत नोमानिया में तहरीर फरमाए हैं, और ये किताब बस बात मुकम्मल हो गई। जिस जमाने में अलीगढ़ में पढ़ता था तो वहां की बहुत मशहूर लाइब्रेरी है मौलाना आजाद लाइब्रेरी, वहां मैंने एक किताब देखी, किताब का नाम भी था मनाकिबे इमाम अबू हनीफा, किसी अब नाम मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मुझे तकरीबन 25 साल पहले का वाकया है, मुझे वो शख्सियत का नाम नहीं याद, लेकिन वो किताब अब भी मिल सकती है, महफूज होगी वहां, तो अरबी में किताब उसका ट्रांसलेशन उर्दू में भी हुआ, तो उसमें मनाकिबे इमाम अबू हनीफा नाम अहले सुन्नत आलिम की तहरीर शुदा वो किताब, मैं उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें उन्होंने एक वाकया एक रिवायत तहरीर की जो खुद इमाम अबू हनीफा से नकल हुई, खुद इमाम अबू हनीफा ने उसको नकल फरमाया है, वो फरमाते हैं कि मैं शागिर्दी में था इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी में था, एक दिन हम शागिर्दों को ये शौक हुआ कि हम ये देखें कि उस्ताद के इल्म की मंजिल क्या है, उनके इल्म की हद क्या है, लिहाजा हम 40 शागिर्दों ने मिलकर, अब इतना बड़ा खुद इमाम जो हो
वो तवज्जो है कि 40 शागिर्दों ने मिलकर 40 सवाल ऐसे तैयार किए कि जिसके लिए हमें यकीन था कि किसी एक सवाल का जवाब भी मुमकिन नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद हमने 40 सवाल तैयार किए उस अकीदे के साथ कि किसी एक सवाल का जवाब भी मुमकिन नहीं है। तो हम सारे शागिर्द उस सवालात को लेकर अपने उस्ताद की खिदमत में पहुंचे कि इस सवालात के जवाब हमें चाहिए हैं। तो आप खुद रिवायत करते हैं मनाकिबे इमाम अबू हनीफा में कि हमारा तो तसव्वुर ये था किसी एक सवाल के जवाब भी मुमकिन नहीं, लेकिन जैसे ही हमने सवालात की फेहरिस्त पेश की हमारे उस्ताद ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक और तमाम सवालात के जवाब दे दिए। उस वक्त हमने तय कर लिया कि इस वक्त जमाने में इससे बड़ा कोई आलिम मौजूद नहीं है। एक सलावत भेज दे बुलंद आवाज से बल मोहम्मद वाले। ये हैं छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। लेकिन बस इससे ज्यादा मेरी हिम्मत भी नहीं है, बहुत मैंने पढ़ लिया और इससे ज्यादा मुझे इरादा नहीं था इसे, लेकिन आप हजरात के जौक समाज की वजह से मुझे इतनी हिम्मत हुई कि मैं इतना पढ़ सकूं। जितना फजीलतें दुनिया के सामने खुलती जाती हैं तो उसके दो रिएक्शन होते हैं हमेशा, हमेशा दो रद्द अमल होते हैं किसी भी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक आफाकी हकीकत है, कभी भी आजमाइए आप, हर जमाने में सही है, हर जमाने में सही है कि जिसके जितने फजाइल दुनिया के सामने खुल कर आते हैं, कमालात खुल कर आते हैं, तो हमेशा दो रद्द अमल होते हैं, हमेशा दो रिएक्शन होते हैं। कुछ उससे मोहब्बत करने लगते हैं, कुछ उससे मोहब्बत करने लगते हैं और कुछ खामखा दावत रखने लगते हैं, कुछ खामखा दावत रखने लगते हैं। हमेशा दो रिएक्शन होंगे। किसी की भी फजीलतें जब भी खुलकर दुनिया के सामने आएंगी, किसी के भी कमालात खुलकर जब भी दुनिया के सामने आएंगे, तो हमेशा दो रद्द अमल होंगे, हमेशा दो रद्द अमल होंगे, हमेशा दो रिएक्शन होंगे। कुछ उससे मोहब्बत करेंगे, कुछ उससे अदावत रखेंगे, कुछ उससे कीना रखेंगे। क्या सबब है, क्या सबब है? अरे उसने कौन सा नुकसान पहुंचा दिया है जो आप अदावत रख रहे हैं? उसने कौन सा आपका कोई माल लूट लिया जो दावत रखे? नहीं नहीं, ना माल लूटा है ना कोई नुकसान पहुंचाया है, बल्कि होता क्या है, जिनका जख्म पाक होता है वो साहब कमाल से मोहब्बत करने लगते हैं, जिनका जख्म नजिस होता है वो साहब कमाल से अदावत रखते हैं। एक सलवात भेज दे बरन आवाज से बर मोहम्मद। बस यही अहले बैत अलैहिस्सलाम का पूरा सिलसिला देख लीजिए कि कुछ दोस्त मिलेंगे, कुछ दुश्मन मिलेंगे। अहले बैत वो शख्सियतें कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए सिवाय फायदे और नफे के, उसके बाद भी दुश्मन क्यों? दुनिया कहती है, पूछता आज बच्चा पूछता है कि जब इतने अच्छे थे तो दुश्मन क्यों थे? देखिए आज का बच्चा जवान कोई सवाल छोड़ता नहीं है, जब आप इतना अच्छा बताते हैं उनको, इतना नेक बताते हैं उनको, तो उसके बाद फिर दुश्मन क्यों थे? तो उसका जवाब यही है कि हमेशा दो रिएक्शन होंगे, जिनका जर्फ पाक है वो उससे मोहब्बत रखेंगे, जिसका जर्फ नजिस है वो उससे अदावत रखेंगे। यही वजह है कि जिनका जिनका जर्फ नजिस था वही उनकी शहादत का सबब बन रहे। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बहरहाल अगरचे ये एक इशारे सवाब की मजलिस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मसाइब से पहले दो जुमले ज़रूर करता चलूँ कि बहरहाल मेरा नज़रिया ये है, चाहे कोई इसके इख्तलाफ़ रखता हो तो उसके इख्तलाफ़ का हक़ है। हमारा नज़रिया ये है कि हमें मजहबी हकूक भी उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक हम सियासी तौर पर मजबूत ना हों। लखनऊ वाले 20 साल तक भुगते हैं, 20 साल तक भुगते हैं, 21 साल तक भुगते हैं, 21 साल तक जुलूसों पर पाबंदी रही जबकि इतनी बड़ी आबादी वहां मौजूद, पाबंदी रही क्यों? सिर्फ सियासी तौर पर कमजोर, सिर्फ सियासी तौर पर कमजोर, इस वजह से हमें उसकी सजा भुगतना पड़ा।
लिहाजा हमें सियासी तौर पर मजबूत होना होगा, चाहे वो हमारा शिया हो चाहे आम मुसलमान सब हो। तमाम मुसलमानों से भी हमें यही अर्ज करना है कि तमाम सियासी पार्टियां उनके वोटों की वजह से वो हुकूमत हासिल करती हैं, और इधर हुकूमत मिली उधर मुसलमानों पर वही जुर्म शुरू कर देते हैं, वही मुसलमानों की हक तलफी शुरू कर देते हैं, वही सारे वादे भूल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जिन नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं वो नुमाइंदे इस लायक नहीं होते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकें, वो बिक जाते हैं, वो अपने जमीर को बेच देते हैं, वो अपने दीन को फरोख कर देते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को मुसलमानों के जरिए ही से नुकसान वो पहुंचाते हैं। आज की हुकूमत भी यही कर रही है, कितने फसादात हुए सैकड़ों जिसपे मुसलमानों का कत्लेआम, इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इसी तरह से आप देखें एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें, यहां बयान करना मकसद नहीं उनका, सैकड़ों मिसालें हैं कि जहां सारे वादे भूल गए वो बजाय फायदे के उल्टा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। लिहाजा आने वाले इलेक्शन में हमको सोचना होगा, फैसला करना होगा कि हमें किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना है कि जो वादा खिलाफियां करती रही हो और जिसने सारे अपने वादे भुला दिए हो, और इतनी मजबूत सियासी हैसियत हमको बनना है। देखिए जब तक हुकूमत बनाते रहेंगे हम, उस वक्त तक हुकूमतें धोखा देती रहेंगी हमें। हमें इतनी ताकत पैदा होना चाहिए कि हुकूमत को गिरा सकें। हुकूमत बनाने में हमेशा नुकसान रहेगा, हुकूमत गिराने की ताकत पैदा करो, सारी हुकूमतें जो है तुम्हारी कदमों में आ जाएंगी। सब इतनी इतनी ताकत पैदा करो कि हुकूमत गिरा सको, और ये उसी वक्त पैदा हो सकती है कि तमाम मुसलमान फिरके मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आए, तभी ये ताकत पैदा हो सकती है। इधर उनको एहसास भी हो जाए हुकूमत को कि मुसलमान हमारी हुकूमत गिरा सकते हैं, फिर हमको हक मांगना नहीं पड़ेगा, वो कदमों में लाकर हमारे हुकूमत को डाल। एक सलवात भेजे मोहम्मद, बस इससे ज्यादा नियत करना है। आप देखें हमारा छठा इमाम, काम सिर्फ इल्म की खिदमत करना थी, सैकड़ों और हजारों शागिर्द के जिसके जरिए से दुनिया में इल्म फैल रहा था, लेकिन अदावत और दुश्मनी, जितनी मौला की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था उतनी ही हुकूमत वक्त की दुश्मनी में इजाफा हो रहा, उतने ही हाकिम वक्त की दुश्मनी में इजाफा हो रहा था। आखिर में जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो हुक्म दिया गया कि गिरफ्तार कर लिया जाए मदीने से। हमारे छठे इमाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में है कि हुकूमत के फौजी दस्ते ने मस्जिद नबवी में दाखिल होकर इमाम को हालत नमाज में चारों तरफ से घेर लिया। इमाम ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि चारों तरफ फौजी दस्ता है, कहा काहे के लिए आए हो, कहा हमें हुक्म दिया गया है कि आपको गिरफ्तार करके दारुल हुकूमत ले जाया जाए। इमाम ने फरमाया मैं अपने घर वालों से मिल लूं, अपने बाल बच्चों से मिल लूं, अपने अहलोयाल से मिल लूं। कहा नहीं नहीं, हाकिम वक्त की इजाजत नहीं है, हाकिम वक्त का हुक्म है कि जिस हाल में हो उसी हाल में गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। इमाम का सिन तकरीबन 65 बरस का था उस वक्त, जितने फौजी थे वो सब घोड़ों पर सवार थे, मगर इमाम को पैदल चलाया जा रहा, हाथों में रस्सियां बंधी हुई, बूढ़ा इमाम पैदल चलाया जा रहा है, कई 100 मील का फासला, मदीने से दारुल हुकूमत का फासला कई 100 मील था और बूढ़ा इमाम पैदल। कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, इसी आलम में हाकिम मौत के सामने दारुल हुकूमत में पेश किया गया, इमाम के हाथों में रस्सियां बंधी हुई और बादशाह तख्त हुकूमत पर बैठा हुआ, दियाबत रसूल का दावेदार, दियाबत रसूल का दावेदार, इस्लाम का ठेकेदार, बगैर तख्त हुकूमत इस्लाम को बैठा हुआ शराब पी रहा है। इमाम सामने हाथ बंधे खड़े हैं, इमाम के दिल का क्या हुआ होगा, दिल
की क्या हालत हुई होगी, मगर मैं आका से हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ, हे आका, बड़ी मजलूमी से आपको गिरफ्तार किया गया, बड़ी मजलूमी से आपको लाया गया और बड़े जुल्म के साथ आपको दरबार में पेश किया गया, लेकिन हे आका शुक्र कीजिए कि आप दरबार में अकेले हैं, आपके साथ बीवियां नहीं है, आपके साथ माए और बहने नहीं है, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे नहीं है, अपने जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछिए, दरबार यजीद है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में ताके खानदार, और इमाम अकेले नहीं बल्कि रस्सियों में बदीवी फुबी भी मौजूद, बहने भी मौजूद, माए भी मौजूद, और एक छोटी सी बहन सकीना जिसके गले में रस्सी बदीवी, जो इस आलम में है कि एक हाथ चेहरे पर रखे हुए, एक हाथ गले पर रखे हुए, यजीद की नजर नन्ही सी सकीना पर पड़ती है, शिव से पूछता है, ए शिव ये किसकी बच्ची है, शिव जवाब देता है कि हुसैन की चहीती बेटी सकीना है, जब तक बाप के सीने पर सो न लेती थी हुसैन को नींद न आती थी, यजीद ने देखा एक हाथ चेहरे पर एक हाथ गले पर, पूछता है सकीना कि तुम एक हाथ चेहरे एक हाथ गले पर क्यों रखे हो, बच्ची खामोश रहती है, फिर यजीद ने सवाल किया, सकीना खामोश रही, तीसरी बार यजीद ने पूछा, सकीना ने जवाब नहीं दिया, अब उस बलून को गैज आ गया, बड़ी गुस्ताख लड़की है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ और ये जवाब नहीं दे रही है, इसे कोड़े मारे जाए, इसे ताजियाने मारे जाए, एक मलून ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, चाहता था कि नन्ही सी बच्ची के ताजियाना लगाए, हमारा बीमार इमाम जंजीरें संभाल कर उठा, ए यजीद क्या गजब कर रहा है, ए यजीद क्या गजब कर रहा है, अरे ये तो देख ले कि बच्ची के गले में इतनी कस के रस्सी बंधी हुई है कि बच्ची की आवाज नहीं निकल रही, बच्ची जवाब दे तो कैसे दे, पहले रस्सी तो ढीली करवा दे तभी तो सकीना जवाब देगी, यजीद के हुक्म से रस्सी ढीली की गई, रस्सी ढीली हुई, ए यजीद तूने पूछा कि एक हाथ चेहरे पर क्यों, तूने पूछा कि एक हाथ गले पर क्यों, तभी तूने देख ही लिया कि इतनी कस के रस्सी गले में बंधी हुई कि मेरा दम घुटा जा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, और तूने पूछा कि एक हाथ चेहरे पर क्यों, तो तू देख रहा है कि मेरी माए और बहने उनके सर के बाल इतने तवील है जिसके जरिए से वो अपने चेहरे का पर्दा किए हुए हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हैं जिनसे चेहरे का पर्दा नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने हाथ से अपने चेहरे का पर्दा किए हुए हूँ। हाँ सुनिए, बहुत तवज्जो से सुनिए, दो जुमले नजर करना चाहता हूँ। जनाब सकीना का सिन कुल 3 बरस का था, 3 बरस की बच्ची के सिन पर पर्दा वाजिब नहीं मुस्तहब है, 3 बरस की बच्ची अगर कोई हो तो मुस्तहब है पर्दा, वाजिब नहीं है, और उस वक्त भी इस वक्त कि जब हाथों में रस्सियां बंधी हुई गले में रस्सी बंधी हुई सकीना अपने चेहरे का पर्दा किए हैं, गोया हुकूमत इस्लामी का जो नुमाइंदा बना बैठा है उसके पर नन्ही सी बच्ची तंज कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है कि तुम हुकूमत इस्लामिया के नुमाइंदे हो मगर तुम तख्त हुकूमत इस्लामी पर बैठे हुए वाजिबात इस्लामी का मजहका उड़ा रहे हो, और देखो हम असीर हैं, हम कैदी हैं, इस आलम में भी हम वाजिबात की भी हिफाजत कर रहे हैं और मुस्तहबात की भी हिफाजत कर रहे हैं, ये नन्ही सी बच्ची का दर्द था जो यजीद को दे रही थी। हाजा तारफ आखिरी जुमले सुनिए, वो मलून कहता है कि हे सकीना अभी मुझे मालूम हुआ कि हुसैन तुम्हें बहुत चाहते थे, हुसैन तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, कि ये बात दुरुस्त है,
कि बात सच है। नन्ही सी बच्ची ने जवाब दिया कि हाँ ये यजीद ये बात सही है, मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, जब तक सीने पर सो न लेती थी उस वक्त मेरे बाबा को नींद नहीं आती थी। वो मलूर कहता है ए सकीना मुझे यकीन नहीं आ रहा, ए सकीना मुझे यकीन नहीं आ रहा है, कोई सबूत पेश करो, ए सकीना कोई दलील पेश करो, तब मुझे यकीन आएगा कि हुसैन तुम्हें बहुत चाहते थे। नन्ही सी बच्ची कहती है ए यजीद क्या सबूत चाहता है, ए यजीद क्या दलील चाहता है। यजीद कहता है मैं उस वक्त तक नहीं मानूंगा कि हुसैन तुम्हें चाहते थे जब तक मेरे तख्त सर हुसैन उठकर तुम्हारी आगोश में ना आ जाए, मुझे यकीन हो जाएगा कि हुसैन तुमको बहुत चाहते थे। ये सुनना था सकीना ने अपना फटा हुआ दामन बरस किया, ए बाबा यजीद हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, ए बाबा हमारी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, ए बाबा मेरी आगोश में आ जाइए। तारीख गवाह है इधर सकीना का दामन बरस हुआ, उधर तहते तला से अरे हुसैन बरस होता है, आगोश सकीना में आ गया, बच्ची ने मुंह पर मुंह रख दिया, ए बाबा पूरे रास्ते तमाचे खाती आई हो, ए बाबा रास्ते पर शिव ने ताजियाने मारे, ए बाबा अरे आप जो बुंदे पहना गए थे वो जालिमों ने सुराते छीने के कान की लमे थी। سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الله لعنة الله على القوم الظالمين گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر الحاج ظہیر حسن صاحب مرحوم ابن شہادت حسن صاحب مرحوم کی روحوں کو عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں۔ پالنے والے ان مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصوم علیہ السلام میں دکھائے عنایت فرما دے، پالنے والے مختصر عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو جو واسطہ ہے چاردہ معصوم علیہ السلام کا کہ ہمیں جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو حج و زیارت کی متمنی کو تمنا پوری فرما دے، پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، خصوصیت سے جو دوست داران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے۔ پالنے والے خصوصی دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ جلد سے جلد اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پالنے والے جتنے بھی دہشت گرد ہیں اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما، اگر ناقابل اصلاح ہیں تو جلد سے جلد اس کی وجود کو دنیا سے پاک کر دے، دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دے پالنے والے، ان کا وجود ختم ہو جائے، اور جو حکومتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں پالنے والے ان حکومتوں کو بھی نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاس سرنگو رہے، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام بارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں ادارے ساروں میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایہا الامام الغریب، السلام علیک ایہا الامام الشہید، السلام علیک ایہا الامام المظلوم، السلام علیک ایہا الامام المعصوم، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن،
السلام عليك يا مظهر الإيمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعمانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته हम तमामी अहले मोमिना जलालपुर मौलाना मौसूफ के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे जलालपुर में तशरीफ लाए और हम बड़े ही ममनून मशकूर हजरात ऐलान समाज फरमा लें कल शब में पहली मजलिस 2 से 3 बजे से पहले मुलाकात होगी जिसको आज नाम